Hello India, this is Suraj Kushwa and we are back on Funky Sunday presented by Street Movement Dancing Studio and आज हम आपको सुनाने वाले हैं ब्रेकिंग का एक ट्रैक जिसका नाम है Windmill. So let's break it down. So Windmill कहने से पहले खुद को वार्म करिए और मेरे साथ ये एक पॉइंट है जो आपको इसके वार्मअप बताएंगे कि वार्मअप कैसे किया जाता है. Let's start. तो पहला याद रखिए कि आप एक अच्छा स्ट्रेच लीजिए. Make sure कि आपका स्ट्रेच जितना हो सकता है उतना ज्यादा प्रेशराइज मत कीजिए. स्ट्रेच करना है आपको स्टेप वन. स्टेप टू में आपको बटरफ्लाई करना है. बटरफ्लाई जैसे कि आपको हमारे कंटेम्परेरी की वीडियो बताया था कि आपको एक्स्ट्रा करना है बटरफ्लाई करना है. बटरफ्लाई कीजिए एंड थर्ड आपको करना है साइड सिटअप्स. यस, जैसे आप देख सकते हो जैसे कि आपने देखा पहले आपको स्ट्रेच खत्म करना है. आप स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको बहुत जरूरी है जानना बिकॉज रिकॉइंग करें तो आपको आपके फोर आर्म्स में आपके आर्म्स में थोड़ा स्ट्रेंथ हो वो स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए भी कुछ हीरो हो बहुत है कुछ एक्सरसाइज है तो वो मैं आपको बता चाहूंगा. हम कहते हैं इसे तो वैसे की मदद आपको ये बहुत कॉमन सी चीजें आप सीख सकते हो. इसे मैं साइड बेंच दिखाता हूँ आपको. मेक श्योर कि आप दोनों हाथों को आपका जो है एब्स है और आपको इसको रखना है ऑन द फ्लोर लेग्स आउट एंड बैलेंस करना है. आप जैसे देख सकते हो स्ट्रेट और बेंड एंड देन जैसे ही आप इस पे वर्क करते हो ये आपका इंप्रूव होता है. देन हम हैंड स्विच करेंगे. स्विच दिस इज अगर आप राइट हैंड से करते हो तो आप ये पोजीशन होल्ड करोगे और अगर आप लेफ्ट से करते हो आप ये पोजीशन होल्ड करोगे. सो स्टार्ट करते हैं सर से हाउ टू डू इट. हमारी स्टार्टिंग पोजीशन जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग हैं लेफ्ट हैंड से करते हैं मैं लेफ्ट से करता हूं और ये राइट हैंड से करता है. तो मैं जो आज है आपको राइट हैंड से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करते हैं. सो स्टार्टिंग करते हैं हमारे इस स्टार्टिंग पोजीशन से. फिर गेट टू द स्टार्टिंग पोजीशन. ये आपका एक स्टार्ट पोजीशन होगा जैसे कि आप देख सकते हो इसका अटैक बेस एंड अटैक को सपोर्ट करता है. ऑलराइट, तो हमारे ही फर्स्ट पोजीशन था. सेकंड में करना ये स्टेप टू ये है आप जिस लेग से क्लिक कर रहे हो सी राइट सी तो राइट लेग उसने बेंड किया है और लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखा है. अब स्टेप टू में हम क्या करेंगे एक फॉल डाउन होगा. ऐसा देख सकते हो ये हैंड पे ये फॉल डाउन कर रहा है. ये फॉल डाउन आएगा डाउन. ये क्या करना कि आपको यहाँ से फॉल होना है जैसे कि आप देख सकते हो. फिर से करेंगे अभिषेक फॉल आउट एंड सुपर. फिर से आते पोजीशन पे. स्टेप वन स्टेप टू में लेग बेंड एंड आपको फॉल आउट के साथ में जो है पुश का करेक्टर फाइव सिक्स एंड पुश. ऑलराइट, आप जैसे ही पुश करोगे जैसे ही आप पुश करते हो मेक श्योर कि आपको आपके बैक पे जाना है. ये याद रखिए कि आपके जो ये बम्स है आई मीन सॉरी आपका जो हिप है ये ऊपर हो आप फ्लोर पे की पोजीशन जो है बट मेक श्योर कि आपके लेग स्ट्रेट हो. ऑलराइट, यहां तक करते हैं. फिर से पोजीशन पे आएंगे एंड यहां से आप देख सकते हो 5 6 7 एंड किक एंड गेटिंग बैक ऑन द शोल्डर. जैसे आपने शोल्डर पे बैठे हो एक बात का ध्यान दीजिए कि आपके लेग स्ट्रेट हो मोमेंटम बेंड नहीं हो. अगर आप बेंड करोगे तो बहुत आपको फोर्स नहीं मिलेगा. स्ट्रेट रहेंगे एंड आप वापस आपको अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं. ओके, जैसे स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको किक करना है फॉल डाउन करना है आपको बैक पे जाना है. बैक पे जैसे आपको किक करके आपके बैक स्पिन की पोजीशन पे जाना है. आपको दिखा रहा हूं कैसे मैं आपका पोजीशन एंड बैक आपको बैक पे रहना है. जैसे आप देख सकते हो मैं बैक पे जैसे कि आपने देखा हो कि मैंने यहाँ पे एंड किया था. आप फिर से आप पोजीशन पे आ जाओ राइट पोजीशन पे. अब यहाँ से आपको एक चीज का ध्यान देना है. आपको इस तरह दे रहा है कि आपको आप जब हिट करते हो बैक स्पिन के जैसे आपका बैक स्पिन खत्म होता है आपको एक हॉप देना है शोल्डर से. हॉप देके आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है. आपको ये ट्राई करना है सबसे डिफिकल्ट पार्ट है विंडमिल का कि आपको जो है आपको शोल्डर से हॉप देके आपको अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है. अभी आपको बी पॉइंट हेड एग्जैक्टली बताएगा जो मैं कहना चाहता हूँ. स्टार्ट करते हैं ये तो पोजीशन एंड ये हेड बैक स्पिन एंड गेटिंग द पॉइंट. सुपर, तो जैसे आपने देखा इन्होंने स्टार्टिंग पोजीशन से फॉल किया किक किया
और ऑन द बैक स्पिन से हमें पोजीशन लिया हमारा जो स्टार्ट पोजीशन है थोड़ा इसमें होल करना है एंड सेकंड चीज कि अगर आपने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है तो ट्राई करो कि आप सेकंड राउंड की अटेम्प्ट करो बिकॉज वो जो कन्वर्ट होता है जो ऐड करना होता है वो डिफिकल्ट होता है तो मेक श्योर कि अगर आपने फर्स्ट विंडमिल से सेकंड विंडमिल कर लिया तो आपके विंडमिल इजी हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि विंडमिल बहुत प्रूव कैसे करते हैं बैक टू बैक वन टू विंडमिल पोजिशन एंड दो विंडमिल कर रहा है लेट्स गो वन एंड टू तो आप समय देखना कि कितना ये इजी और डिफिकल्ट है बट मुझे पता है कि आप लोग इजी लोग हैं इसको अब यहाँ पर जो मेरे सामने डेमो डेट है वो आपको एक शोकेस करके दिया जाएगा एंड और एक चीज बताना चाहूंगा कि आप अगर विंडमिल सीख जाते हो तो विंडमिल के साथ आप कॉम्बोज में कुछ भी ऐड कर सकते हो प्लेयर्स या बैटिंग और व्हाट यू वांट सो लेट्स चेक आउट व्हाट डेमो डेट कैन डू आई होप आपको ये बेसिक ट्यूटोरियल अच्छा लगा प्लीज इसे प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आपका लर्निंग क्लियर होगा ये डांस जैसा नहीं होता है कि आपने रूटीन सीख लिया और आप कर सकते हो इसको आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है एंड फाइनली विल गेट इट सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए यूट्यूब फेसबुक पर एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिए तो मिलते हैं पंकज संडे के नेक्स्ट एपिसोड में टिल देन कीप डांसिंग कीप लर्निंग विंडमिल एंड पीस